हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको भुट्टे के पकोड़े बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने एक भुट्टा लिया है, ये काफ़ी कच्चा है। एक मैंने प्याज लिया है मीडियम साइज का, जिसे मैंने इस प्रकार लंबे लंबे काट लिया है। 3 चम्मच मैंने सूजी लिया है बड़े चम्मच से। एक बड़ा चम्मच मैंने बेसन लिया है। हरा धनिया थोड़े से लिए हैं, ये देख लीजिए। चाट मसाला छोटे चम्मच से आधा चम्मच। कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच छोटे चम्मच से। हल्दी पाउडर आधा चम्मच छोटे चम्मच से। और 3 हरी मिर्च लिया है, जिसे मैंने टुकड़ों में काट लिया है। और नमक लिया है स्वाद अनुसार। सबसे पहले मैं भुट्टे में से दाने को निकालूंगी। ये देखिए, चाकू की सहायता से मैं दाने निकाल लूँगी। आराम से निकालना है, धीरे धीरे करके। ये दाने मैंने निकाल लिए हैं। अब मैं इसे जार में डाल के अच्छी तरह से पीस लूँगी मिक्सी में, ये देखिए। और इसमें 1/2 कप पानी डालूँगी। ये मैंने पीस लिया है। अब मैं इसे प्लेट में डालूंगी। ये भुट्टे के दाने के मैंने पीस के इस प्रकार कर लिया है। अब इसमें मैं प्याज डालूंगी, सूजी डालूंगी, बेसन डालूंगी, चाट मसाला डालूंगी। हल्दी पाउडर डालूंगी और हरी मिर्च डालूंगी। और नमक और धनिया पत्ता। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसे ना पकौड़े जैसा बनाऊंगी पेस्ट। इसका पानी धीरे धीरे डालना है, थोड़ा थोड़ा डालना है। ये देखिए, इस प्रकार का हो जाएगा। अब मैं तेल गरम करूंगी। यहाँ पे मैंने सरसों का तेल प्रयोग किया है। आप जो भी रिफाइंड वगैरह खाते हो वो आप प्रयोग कर सकते हैं। ये देखिए, अब मैं इसे पकौड़े बनाऊंगी इसके। मीडियम आंच पे ही पकौड़े बना रही हूँ मैं। इसे हल्का भूरा रंग का होने तक मैं तलूंगी। ये देखिए, हल्के भूरे रंग के हो चुके हैं। अब मैं इसे निकाल लूंगी। ये बहुत ही करारी, अच्छी, स्वादिष्ट बनती है। ये देखिए, हमारे भुट्टे के पकौड़े तैयार हैं।